मेरे प्यार बहन भाई और मित्रों के सब, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्टो 10mg टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के क्या फायदे क्या नुकसान है, इसमें पूरी जानकारी जानने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह है प्रोडक्ट सिलेक्टिव हाइपर ट्यू की दवा है, जो कि नींद से संबंधित समस्या, इंसोम्निया, स्लीपनेस और इसी के साथ दोस्तों शॉर्टनेस ऑफ स्लीप, इन सभी कंडीशन में इस प्रोडक्ट का यूज करवाने की सलाह आपका डॉक्टर इसको दे सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों इन सभी समस्या में मरीज को नींद नहीं आना, नींद कम आना और नींद का टाइम टेबल कम हो जाना। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आपको रात को सोते हो और बीच में आपकी आंखें खुल जाती है तो बाद में नींद नहीं आ पाती, तो इन सभी दिक्कतों को ठीक करने के लिए आपका डॉक्टर आपको इसको यूज करवाने की सलाह दे सकता है। वैसे दोस्तों अभी तक इसके सामान्य तौर पर कुछ साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला, फिर भी ये देखने को आपको मिल सकते हैं, जैसे कि दिन में नींद आना, डे टाइम स्लीपनेस होना, हेडेची होना, नौजिया होना, डायजनिसिन होना, गाउसिंग होना, नौजिया होना, डायरिया होना, मेमोरी प्रॉब्लम होना, हेलुसिनेशन होना, बैक पेन होना, ड्राई माउथ होना, लिथर्जी होना, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। फिर भी कुछ आपको इनमें से अगर देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको दो बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नंबर वन, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परेशानी या किसी भी तरीके का अन्य साइड इफेक्ट दिखा है तो घबराए नहीं, तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर टू, किसी भी प्रकार की अन्य मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मरीज की, पेशेंट की उम्र अकॉर्डिंग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, उनके हार्मोन्स के ऊपर, उनकी उम्र के ऊपर, उनके वजन के ऊपर उनकी जाँच करवाने के बाद डॉक्टर दवाइयां देता है। इसलिए दोस्तों पहले अपने डॉक्टर से परामर्श यानी कि संपर्क करें, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहां है, वरना सब मिट्टी समान है। तो दोस्तों नेक्सिटो 10mg टैबलेट की इंफॉर्मेशन फुल जानकारी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। चेतावनी, इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से पूछे। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।